मेरे को घर पे एक मेरी ही पुरानी कॉपी मिली है और उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखो मेरे को ना वीडियो बनाते जब चैनल स्टार्ट किया था तो ये सोच के किया था कि अपने को 200-300 लोग जान जाएंगे, है ना, 200-300 लोग जान जाएंगे, थोड़ा यार दोस्तों में ये बन जाएगी, हाँ इसको 200-300 लोग जानते हैं, ये वीडियो वीडियो बनाता है और ये वो, है ना। क्योंकि मैं ना कॉमेंट्स देखता था दूसरों के ऐसे कि यार बड़ा सही है, नीचे कॉमेंट्स आते हैं तो मजा आ जाता होगा। फिर मैंने लगातार 1 साल से ज्यादा वीडियो बनाई है ना, और मैक्सिमम अब वो मेरे चैनल पे नहीं है वीडियो, मैं डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि बहुत ही खराब क्वालिटी की थी। 1 साल से ज्यादा वीडियो मैंने बनाई और ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे कुछ भी, सब्सक्राइबर 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे थे और व्यूज तो आ ही नहीं रहे थे, 20 व्यू, 25 व्यू, 30 व्यू कुछ इस तरीके से। और मैं जैसे दूसरों के चैनल देखता, अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर जिनके मैं देखता था मेरे को याद है कि उनके यार 40,000 हो गए, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, वहाँ यार ये बड़ा सही है। फिर देखा कि वो बना क्या रहे हैं, पढ़ाई की तो बना ही नहीं रहे, ये वाली बना रहे हैं, एनटीए ने ये बोल दिया, नीट पोस्टपोन कर दिया, ये कर दिया, है ना। तो मेरा भी ऐसा हुआ कि यार चैनल चलाऊंगा और ऐसी ही वीडियो मैं भी बनाता हूँ क्योंकि पढ़ाई की तो चल ही नहीं रही, ये वाली चल रही है। ठीक है, तो मैं उसमें लग गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया था, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मतलब कैमरा के सामने ना, कैमरा के सामने मेरे से बोला ही नहीं जाता था। तो मैं क्या करता था, ऐसे लिख लेता था पूरी, एक तरीके से स्क्रिप्ट लिख लेता था कि मेरे व्यूज इन्हीं वीडियो से व्यूज लाने के चक्कर में। तो ये मेरे को पुरानी कॉपी मिली, पुरानी कॉपी में लिखी हुई है, कब की लिखी हुई है ये, कि ऐसे कि तो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, नीट और आईआईटी के एग्जाम को पूरी तरह कैंसिल करने की डिमांड की गई है। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना लिखता था। देखो जैसे इतना लिखा, फिर ये पूरा ये यहाँ पे लिखा, इतना लिखा, ये इतना लिखा, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, ये इतना लिखा, ये एक वीडियो के लिए लिखा है, ये इतना लिखा, ये इतना लिखा कि इसमें पूरा कि इस न्यूज़पेपर ने ये बोला, इस न्यूज़पेपर ने ये बोला, है ना, कि सरकार को तो ये है, सरकार ने ये बोला है, इतना इतना पूरा, ये इतने पेज एक वीडियो को लिखता। फिर क्या करता, इनको मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता, इनको बोल बोल के ऑडियो रिकॉर्ड करता, फिर उस पर मैं क्या है एडिटिंग से वीडियो बनाता और फिर उन पर व्यूज़ भी आए। मज़े की बात यह है व्यूज़ भी आए, पर मैं जो बताना चाहता हूँ ना उस पर हुआ क्या कि इन वीडियोस पे जो कमेंट्स आ रहे थे ना उनमें क्या था, मेरे को दो चार बच्चे मेरे को गाली दे रहे थे, दो चार नीट की बात कर रहे थे, दो चार कोई और बात कर रहे थे, मतलब मैं कहीं भी नहीं था उन वीडियोस में। अब देखो सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलूं तो जो एक दो वीडियो मेरी चली है ना, सीधे सीधे में तो यही बोलेंगे चली, तो वो मैंने फिर थोड़ी मेहनत की, मैंने एक एक साल का पेपर उठाया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है ना, किस किस साल में रिपीट हुआ है, लॉजिक गेट कब कब आया है, और ईएम वेव कब कब आया, पोटेंशियोमीटर कब कब आया। तो मैंने जो वीडियो तैयार की थी ना वो फिक्स क्वेश्चन वाली, उसमें मेरे को भी मेहनत भी बहुत लगी और उसका रिजल्ट भी मिला। ठीक है, उसमें पहली बार मेरे को लगा कि वहां पर मेरी तारीफ हो रही है, मेरी ना कि और चीजों की, तो मुझे पहली बार फील हुआ कि पढ़ाई ही एक ऐसा मीडियम है, सब्सक्राइबर चाहे स्लो बढ़े, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा मेरा सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनता चला गया, है ना। पर दिक्कत ये थी, ना तो मेरे को इनऑर्गेनिक आती थी और ना ऑर्गेनिक आती थी, और बायो में भी उस तरीके की पकड़ नहीं थी कि मैं पढ़ा सकूं। तो फिर मैंने लेक्चर देखने शुरू कर दिए, है ना। मैंने नीट लास्ट दिया था 2017 में, पर मैंने 2020 में फिर लेक्चर देखने दोबारा शुरू किए और अच्छे तरीके से लेक्चर देखे, फिर दोबारा सारी चीजों को सीखना शुरू किया और सारी चीजों के फिर मेरे को मतलब भी समझ आए कि हाँ ऑर्गेनिक में ऐसा ऐसा होता है, बायो में कोई चैप्टर है, असल में वो क्या चीज है, वो क्या बोलना चाहते हैं, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना चालू किया। तो इतना सा था, थैंक यू।